चलिए आज शुरू करते हैं कुछ रेगुलेशन का ही हिस्सा। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेटेज 1 फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इन सब बीच में क्या संबंध है। इसको अच्छे से समझने बुझने की जरूरत है, रेगुलेशंस का है, इसमें ग्राफ भी है। फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट का मतलब क्या हो गया कि इसमें सेकेंड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप होता है और सिक्स्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर डायग्राम इसका हम बनाए तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, दिख रहा है ये डायग्राम। तो ये और ये हो गया फ्रुक्टोज का। अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इससे ओए जुड़ा हुआ तो यहां पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसका तैयार हो रहा है। क्योंकि स्ट्रक्चर पर हम हमेशा बोलते हैं कि आपको पकड़ होनी चाहिए, कि कोई चीज अगर बोला गया वो आपको दिखाई देना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है। जैसे स्ट्रक्चर बना दिए तो आप लोग को आसानी होगा ये बात समझने में। अब यहाँ पर क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पहले कार्बन पर नहीं है, दूसरे कार्बन पर है और छठवें कार्बन पर। इसको हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज 1,6 टू सिक्स बिस फॉस्फेट, ये इसका नाम है। और जब पहले कार्बन पर होता तो हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जो कि एक ग्लाइकोलिटिक पाथवे का प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो। तो अब जो है यहां पर आप देखें कि क्या संबंध है इसका। तो रिसर्च कहता है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जो है यह एलोस्टेरिक इफेक्टर है, अर्थात यह एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, उस पर इसका प्रभाव होता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एनिमल सेल्स में काम करता है और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 प्लांट सेल्स में इसका ज्यादा वर्क देखा जाता है। अब इसी केस स्टडी में यहां पर हम लोग ग्राफ भी देखेंगे और इसके स्टेटमेंट को भी देखेंगे। देखिए यह केस स्टडी है, व्हाट हैपन व्हेन फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बाइंड्स टू फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, अर्थात क्या होगा जब फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जुड़ जाएगा किससे, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 से, मतलब एंजाइम से। तो सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं इनहिबिटर्स के बारे में कि ये इनहिबिट कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है, कुछ भी ऐसे। लेकिन यहां पर क्या है, जब फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जुड़ेगा एंजाइम से, तो एंजाइम का काम करने का रफ्तार जो है उसको बढ़ा देता है। अगर आप स्टेटमेंट पर भी ध्यान दें, लिखता है बाइंडिंग फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट विथ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू इट्स सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट का नाम क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आप ये समझें कि इससे तो फायदा हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ले चलें, क्योंकि तो जब तक कुछ विद्यार्थी कहीं होता है ना कि कुछ सर दिख जाता है तो फिर समझ में बात आती है। तो देखिए मैं इसको कैसे समझाता हूं आपको, आपको एकदम तुरंत समझ में आएगा। देखिए ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इस एंजाइम का नाम। ठीक है, इसका एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जब ये इससे जुड़ जाता है तो कैसा दिखता है, ये हो गया एंजाइम। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को भी हम लोग कुछ ऐसा
स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर देते हैं। यह इससे जुड़ जाता है, यह इससे से जुड़ गया, ठीक है। और जुड़ने के बाद अब क्या होता है इसका, ठीक है, तो जुड़ने के बाद फाइनल इसका एंड प्रोडक्ट एक मिलता है हमको, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, हम लोग कहते हैं उस प्रोडक्ट का नाम होता है जी, उस प्रोडक्ट का नाम होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, यही नाम होता है। इस प्रकार से यह एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब आप समझें कि जब ये प्रोसेस हो रहा है तो एंजाइम काम कर रहा है। अब यहां पर एक जो इफिशियंसी इन दोनों के बीच का जो एक अट्रैक्शन है, इफेक्टिव जो कहते हैं ना जुड़ने की क्षमता, वो क्षमता समझो कि 10 यूनिट है। हाँ भाई ये इससे जुड़ जा रहा है, तो सोचिए कि इसकी जो रफ्तार है वो हम इसको मानते हैं 10, 10 के रफ्तार से यह जुड़ रहा है इससे। अब क्या है कि एक अलग पदार्थ है, एक अलग सब्सटेंस है जिसका नाम है, जिसका नाम है फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, ठीक है। अगर यह फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जाके जुड़ जाए किससे, इस एंजाइम से, ठीक है, देखिए यह जाके इस एंजाइम से जुड़ गया, तो इस एंजाइम के काम करने का जो रफ्तार है, काम करने का रफ्तार वो 100 गुना बढ़ जाता है। अब ये 100 गुना स्पीड से क्या करता है, इस काम को करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट के एंजाइम के साथ जुड़ने से एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है वह बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जो है वह इस एंजाइम के लिए एक इनहेंसर के रूप में काम करता है। यही स्टेटमेंट बताता है और इसी स्टेटमेंट का यही मतलब है कि बाइंडिंग फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट टू द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। अब देखो अगला स्टेटमेंट कहता है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एफिनिटी फॉर एटीपी एंड साइट्रेट। ये एटीपी और साइट्रेट इस एंजाइम के लिए फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज के लिए क्या है, इसके लिए इनहिबिटर्स है दोनों। तो यदि फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट इस एंजाइम से जुड़ जाए तो यह एंजाइम एटीपी और साइट्रेट से भी क्या होता है, प्रभावी होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। इम्यून बूस्टर्स क्या करते हैं, जो बीमारियों से हमें बचने की क्षमता जो है हमारी उसको कई गुना बढ़ाता है, ठीक है। अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट एब्सेंट हो तो एंजाइम लगभग इनएक्टिव जैसा ही काम करता है, मतलब उसके काम करने की रफ्तार बहुत धीमा हो जाता है, तो धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जो है यह एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए एक इफेक्टर के रूप में काम करता है और यह पॉजिटिव सिग्नलिंग करता है। कोई हमको कहे इस एंजाइम के जुड़ने से, इस सबस्ट्रेट के जुड़ने से एंजाइम पर क्या असर होता है, एंजाइम को क्या फायदा मिलता है, ठीक है ना, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट टू द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 आफ्टर बाइंडिंग ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ बांधने की क्षमता को
बढ़ाता है. सेकंड क्या बेनिफिट है, रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एटीपी एंड साइट्रेट लाइक इनहिबिटर्स इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स में पर एटीपी और साइट्रेट के जो इनहिबिटरी रोल है उसको भी ये क्या करता है, घटाता है. तो निश्चय ही इससे इसको फायदा ही फायदा है, ये बहुत बेनिफिशियल रिलेशनशिप है. अब यहां एक ग्राफ है और ग्राफ पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये ग्राफ क्या कह रहा है. ठीक है, देखिए इस ग्राफ में दो एक्सिस है. एक एक्सिस है जहां पर एंजाइम के एक्टिविटी को बताया गया, परसेंटेज ऑफ द वी मैक्स, और दूसरा है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट्स जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, यहां लिखता है माइनस फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट. जब फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट नहीं है तो रिएक्शन कितना स्लो है, वी मैक्स कहाँ है, बहुत नीचे है, और काफी जब मिलता है फ्रुक्टोज तब जाके ये फिर स्टीप इंक्रीज करता है. लेकिन यही पर अगर शुरू में ही फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट दे दिया जाए, देखिए ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, एकदम कार भरते हुए ऊपर से ही शुरू होता है. यह क्या बताता है, यह बताता है कि 2,6-बिस्फॉस्फेट जो है वह एंजाइम को काम करने के लिए प्रेरित करता है. तो यह इस ग्राफ का एक इंपैक्ट जो है उसको बताया गया है. अब आप अगर गौर करें तो यहां पर एक कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखा हुआ है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट. तो इसका जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वह बहुत कम में ही अचीव हो जाता है. ठीक है ना, 0.05 मिलीमोल में ही, माइक्रोमोल में. और जब सिर्फ अकेले फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हो तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की जरूरत होती है. अब देखो ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जब यहां पर आता है तब ये एक्टिविटीज की बढ़ती है, जबकि अगर 2,6-बिस्फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो तो ये 0.5 के इर्द गिर्द पर ही यहीं पर ये क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है. तो यह इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है ग्राफ. उस ग्राफ को अच्छे से अभ्यास एक बार करने की आवश्यकता है. अब अगला जो सवाल है इसमें वो है, व्हाट हैपेन व्हेन फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज बाइंड्स टू फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट एलोस्टेरिकली. अब आप समझें कि यह जो एंजाइम है जिसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज, यह क्या करता है ना. तो अगर यह एंजाइम फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट के साथ जुड़ जाए तो रिजल्ट अब क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है. देखिए कैसे, कि ग्राफ को हमेशा हम लोग चतुराई से समझते हैं. देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेटेज 1 एक्टिविटी, और यहां लिखा है फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो कि प्रोडक्ट है एंजाइम का. तो जब आप फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट दीजिएगा, ठीक है, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है. देखिए एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, कम है. लेकिन जैसे फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट को आप हटा दीजिएगा यहां से, फ्रुक्टोज 2,6 ये जो एंजाइम है फॉस्फेटेज उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. अच्छा हमेशा याद रखो फॉस्फेटेज क्या करता है, कहीं भी किसी भी एंजाइम अगर फॉस्फेटेज लिखा हुआ है तो वो क्या करता है, रिमूव्स फॉस्फेट. ये फॉस्फेट को रिमूव करता है, हटा देता है. फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट को हटा देता है. और फॉस्फोरेलेज क्या करता है, फॉस्फेट को जोड़ देता है. इस बात को दिमाग में हरदम बिठा के चलना है कि एंजाइम फॉस्फेटेज का क्या मतलब है. फॉस्फेटेज का सीधा मतलब होता है फॉस्फेट को हटा देना. जहां पर भी ये एंजाइम आएगा वहां क्या करेगा, वो फॉस्फेट को हटा देता है. इसी चीज को ग्राफ में और उसके बगल में जो एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल जो इलस्ट्रेशन है उसमें बताने की कोशिश की गई है. फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेटेज 1 और फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट ये दोनों जब साथ में जुड़ जाए
देखिए ये पर, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बनने का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, घटता है, जबकि ये दोनों अगर अलग अलग रहे इसका प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। इस ग्राफ का एक बार अच्छे से आप लोग अभ्यास करिएगा तो आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए एक दोनों को कॉम्बाइन किया गया कैसे होता है, अच्छे सब लोग ध्यान देके इसको पढ़ेंगे। ये फ्रुक्टोज फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 2 एक्टिव है और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 इनएक्टिव है, पहला केस ये है। तो क्या होगा कि ये जब एक्टिव होगा एंजाइम फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज 2 जो प्लांट होता है ये इनएक्टिव होना चाहिए, तो क्या होगा एटीपी से एक फॉस्फेट जो है निकलेगा और वो जुड़ जाएगा किसके साथ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ और वो प्रोडक्ट दे देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, पीएफ के अब 2 अब इनएक्टिव हो जाएगा और फॉस्फो फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज जो है वह एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये उलट जाएगा। यहां पर केस उलटने के पीछे क्या कारण है कि यहां पर एक फॉस्फेट जुड़ गया, कहां पर फॉस्फेट जुड़ गया देखिए, ये फॉस्फेट जुड़ गया, ये फॉस्फेट किसने शेयर किया, इस एटीपी ने शेयर किया, यहां पर एक फॉस्फेट जुड़ गया और यहां पर एडीपी के पास 2 फॉस्फेट है, तो एंजाइम आपका इनएक्टिव हो गया और फॉस्फो फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज जो है वह एक्टिव हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब इसको फिर से एक्टिव होना है, तो फिर से एक्टिव होना है तो क्या होगा, ये जो फॉस्फेट है ये बाहर निकल गया यहां पर और ये हाइड्रोलिसिस के कारण ये होता है, वाटर डालने पर ये फॉस्फेट यहां पर बाहर निकलता है। अब इस पूरे प्रोसेस को आप एंजाइम और अलग स्टिमुलेटर के मदद से देखने की कोशिश करिए, देखिए मैं बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, सीएएमपी और ग्लूकोज के बीच क्या रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएएमपी इन अ सेल, अर्थात किसी सेल में अगर सीएएमपी की मात्रा ज्यादा है तो वहां ग्लूकोज कम होगा, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज कम होगा तो क्या ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या इस एंजाइम को एक्टिव होना चाहिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 को, हम लोग बोलते जी नहीं, नहीं एक्टिव होना चाहिए, ये प्रोसेस हो गया रिलेशनशिप। और अब देखिए यहां पर ग्लाइकोलिसिस डाउन हो गया, लेकिन अब जबकि सेल में ग्लूकोज आना शुरू हो गया है, सीएमपी घटना शुरू हो गया है, इस एंजाइम को क्या होना पड़ेगा, एक्टिव। इसमें से ये फॉस्फेट क्या होगा, यहां निकाल दिया जाएगा, एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फो प्रोटीन फॉस्फेटेज, और ये फिर से क्या कर देगा एंजाइम को, एक्टिव, और ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, होना शुरू हो जाएगा। ये एसएस सिग्नलिंग है। और अगर इंसुलिन और ग्लूकागोन को देखें तो इंसुलिन क्या करता है, सेल में ग्लूकोज कंजम्पशन को बढ़ाता है, इसका मतलब है कि ये एंजाइम को एक्टिव करेगा। ग्लूकागोन क्या करता है, सीएमपी क्या करता है, सेल में ग्लूकोज कंजम्पशन को घटाता है, तो ये जो एंजाइम है काइनेज है यह एक्टिव हो जाता है।